गाइस, तो अभी कल मेरा एक और पेपर है, तो अभी आज फिर मुझे मुंबई के लिए निकलना है। तो आप देख सकते हो कि मतलब कई बार क्या रहता है ना कि आपको कभी कभी छुट्टी नहीं भी मिल पाती, जिसके कारण से आउट टाउन भी करना पड़ता है, एक दिन का ही गैप था। तो अभी क्या है, अभी मैं ऑफिस जाऊंगा और फिर अभी देखो वहाँ पे क्या है कि हाफ डे का सीजल मैं लगा के, क्योंकि अभी 2 बजे तक मुझे फिर दोबारा से पुणे के लिए निकलना है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन मुझे मिल नहीं रही थी। और बस का एक लोग ने मुझे सजेशन दिया था, लेकिन वो लेट पहुँचती है, जिसके कारण से लेट अगर हो गया एग्जाम में तो वो कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। तो अभी दोबारा से अभी मैंने एक औरंगाबाद से ट्रेन कराई थी, लेकिन अभी उसका वेटिंग जो है वो 7 आ चुका है, तो 4 बजे प्रिपेयर हो चुका था। तो अभी दोबारा से मैंने फिर एक ट्रेन पूना से फिर करी है, जो कि आपके रात के लगभग 11 बजे के समथिंग है। तो अभी मुझे निकलना है, तो पहले अभी जाऊँगा मैं ऑफिस, तो अभी हफ्ते तक वहाँ रुक के फिर दोबारा से मैं हफ्ते के CL लगा के फिर वहाँ से मैं निकलूँगा। तो लगभग लगभग अभी तो फाइनली रेडी हो गया हूँ, तो अभी देखते हैं कैसा क्या कैसी चल रही थी इस बार की भी, क्योंकि बहुत मैं थक गया था यार। अभी गाड़ी खड़ी कर दी कॉलोनी में और वहीं पे हेलमेट भी रख दिया। फिर क्या रहता है कि मुकेश को मैं फ़ोन कर देता हूँ जब आता हूँ, क्योंकि रात के 12 बज जाते हैं। तो फिर क्या रहता है, वो मुझे कॉलोनी से स्टेशन जो है वो 2.5 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए वो मुझे ले जाता है। फिर इसके बाद वहीं से मैं बाइक उठा के घर भी चला जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आसान रहता है। फिर उसके घर पर रुकने कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन हाँ फिर भी रहता है कि यार घर में एक अलग ही अपना सोने का मजा है। तो अभी क्या है कि अभी जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था, कैब वाले से मैंने नंबर ले लिया था, तो अभी जैसा कि देख रहे पीछे टैंकी पूरा जो है पूरा कैंट एरिया है, ठीक है। तो इवन जितने भी स्टूडेंट जिनको पूरे जोन आपका इनकम टैक्स में या CBIC में GST में या किसी में भी अगर आप सभी को मिलता है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि भैया GST वालों का जो मेन कॉलोनी है वो आपका मेन सिटी में है, सिडको यहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ के जस्ट पास में ही आपका है ऑफिस भी उनका पास में है। लेकिन अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो 2 ऑफिस है, तो मेन जो इनका इनकम टैक्स का खुद का ऑफिस है, उसके जस्ट बगल में आपका कॉलोनी है। तो जिनकी पोस्टिंग उस ऑफिस में है हेडक्वार्टर वाले में, उनके लिए अच्छा है कॉलोनी, लेकिन जिनकी पोस्टिंग सिडको ऑफिस में है, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी डिस्टेंस 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ऑफिस का पड़ जाता है। तो इस तरीके से आपका रहता है। पीछे आप देख सकते हो कि उधर साइड जो है ये आपका उधर ऑफिस का ही पूरा एरिया है, ठीक है। और ये पूरा जो है ये कैंट एरिया में आपका पूरा आता है, तो ऐसा है पूरा। तो बाकी जो भी स्टूडेंट जो औरंगाबाद में ज्वाइन करेंगे या किसी भी डिपार्टमेंट में या पोस्टल में भी, तो एक बार अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ अगर आपको जानना है कुछ कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सभी स्टार्टिंग में नए नए होते हैं, तो आपको चीज़ें पता नहीं होती। और मेरे साथ ही यही था कि मुझे भी कई सारी चीज़ें जो थी यहाँ आने के बाद पता चली, ठीक है। तो आप सभी कहीं ना कहीं मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो अभी क्या, अभी बस कैब का मैं वेट कर रहा हूँ, और बाकी जर्नी जो भी रहेगी वो आप सभी से मैं शेयर करूँगा, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा। लास्ट टाइम बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, मैंने आप सभी से शेयर भी किया था, और इस बार का भी आई होप अच्छा ही रहेगा। पेपर वगैरह भी इस बार आप सभी की दुआ से अच्छा ही हो। तो बाकी अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको धीरे धीरे। व्यू देख लीजिए कैंट एरिया का, मतलब कैंट एरिया का ज़बरदस्ती, मतलब साफ़ सफाई भी, क्लीननेस वगैरह बहुत ज़बरदस्त रहती है। इसके पूरा इधर का पूरा कैंट एरिया है ये, और यहाँ पे जब टैंक है जो शाम के काफ़ी अच्छा, मतलब सजा वगैरह रहता है, काफ़ी लाइटिंग वगैरह रहती है, अच्छा है। क्या हुआ है कि अभी मैंने बताया नहीं है सैम वाले को कि मैं आया हुआ हूँ, तो अभी मैं धीरे से आता हूँ, आराम से आता हूँ। वीडियो कॉल स्टेशन आ गया हूँ। अभी क्या हुआ कि अचानक ऑटो वाले ने भी डरा दिया, कहता क्या कितने बजे की ट्रेन है, मैंने कहा 11:45 की, कहता यार दिख नहीं रही मुझे, मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि लेट हो गया था 11 बजे का, मैं वहाँ से चला था, और इवेंट का यहाँ पे आज फेस्टिवल था, इसके कारण से जाम वगैरह था। तो मुझे लगा यार सच में ऐसा नहीं हो गया, मैंने दूसरी डेट की ट्रेन बुक कर दी, क्योंकि अभी मॉर्निंग में एक में वेटिंग थी जो मैंने 2 दिन पहले कराई थी, तो अभी आज मैंने दोबारा करी थी, तो मैंने चेक किया लेकिन सही था। और अभी क्या है, जल्दी मैं चढ़ के आया हूँ, अभी 5 मिनट बाकी हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 या एक ऐसा कुछ दिखा रहा था, क्योंकि वो LED ब्लिंक कर रही थी। तो फटाफट मैं देख लेता हूँ कि किस प्लेटफॉर्म पे
जो है वो ट्रेंड आ रही है, फाइनली तीन पर ही आ रही है, मुझे जैसा लग भी रहा था क्योंकि वो ब्लिंक कर रही थी। क्या है कि तीन पे आ रही है ट्रेंड, तो फाइनली मैं आ भी चुका हूँ। अभी बस वही पोज देख रहा हूँ क्योंकि पोज की पोजीशन कई बार आगे पीछे हो जाती है। तो अभी क्या है, सबसे एक जो चीज़ मुझे लग रही थी कि ऐसा ना हो कि जाम में फंसे। और हुआ क्या कि जो ऑटो मैंने किया था, तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपका मीटर वाला चलता है, ठीक है। तो मैंने ओला किया तो वो कहता कि नहीं, वो आपने ऑनलाइन पेमेंट सेट किया है, तो मैं काम करता हूँ कि मैं मीटर सेट कर लेता हूँ और जो अगर उसके ऊपर जो बनेगा वो आप दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। और तो लिटरली क्या हुआ, जब वो यहाँ पे छोड़ा, उसने क्या किया, काफ़ी घुमा घुमा के वो आया बिल जैसे बन जाए। तो ओला में क्या हुआ कि ओला में 168 पहले दिखा रहा था और बिल बना जाके 197, ये ओला का बिल था। और मीटर का मैंने चेक किया, 170 बना। वो ऐसे मेरी तरफ देख रहा था कि अरे यार ये कम कैसे बना। और लिटरली मेरा ध्यान पूरा मीटर पे ही था, मुझे लग रहा था कि यार मतलब बिल ज़्यादा ना बने यार बिल्कुल है। और हालांकि ओला में मेरा ज़्यादा बन गया, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं। तो उसको असल में अचंभा लग रहा था कि अरे यार इसमें ज़्यादा बनना था, इसमें कैसे क्या कम बन गया। बार बार मुझसे पूछ रहा था कि अरे आपकी ट्रेन कब है। तो मुझे लगा कि कई बार क्या होता है कि वो लोग, उनको लगता है कि नहीं यार अगर ट्रेन जो है वो अभी थोड़ा टाइम और है तो थोड़ा और घुमा दें। हालांकि मैं मैप पे देख रहा था, फिर उसने अचानक से डरा दिया कि अरे आपकी ट्रेन तो दिख नहीं रही। उसने इसी वजह खोल के रखा हुआ था। अरे मैंने कहा, मैं एकदम से डर गया, मुझे लगा कल की ट्रेन तो बुक नहीं करती है। तो अभी दोबारा से मैंने देखा, नहीं आज ही की ट्रेन मैंने बुक करी थी। फाइनल फिर मैंने ऐप वगैरह देखा तो NTS पे देखा, तो वो आज की जो ट्रेन चल रही थी उसका अपडेट दिखाने लगा। अब उसमें कल का मैं देख रहा हूँ वो कुछ अलग दिखा रहा है, क्योंकि वेयर इज माई ट्रेन बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाता है। होता क्या कि एंड्रॉयड में कहने के वो आपका सपोर्ट करता है, लेकिन आईफोन में क्या रहता है कि उसके लिए कई अलग आते हैं, मतलब अलग अलग नाम से भी आते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड वाला सबसे ज़बरदस्त काम करता है। तो उसकी बैटरी भी ऑफ हो गई थी, मतलब चली गई थी। तो भी क्या है, मैंने दोबारा से चेक किया यहाँ पे जब मैं पहुँच गया, और मैंने एक बार चेक कर लिया, हाँ नहीं उसमें बस ब्लिंक कर रहा था। तीन एक मिनट कन्फ्यूजन था, अभी मैं तीन पे आ गया हूँ तो तीन पे क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ तीन पे ही गाड़ी आ रही है। तो बस ऑफ एट लास्ट फाइनली, अभी क्या अभी ट्रेन वगैरह बस पकड़ने जा रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत वो लगता है कि अरे यार प्रॉब्लम ना हो ट्रेन ये वो, लेकिन चलो फाइनली पहुँच गया हूँ कि ट्रेन भी पकड़ लूँगा। और क्योंकि सुबह क्या है, सुबह जल्दी 4 बजे तक वो पहुँचा देगी, और उसके बाद फिर क्या है मुझे रूट पता ही है, पास में 3 किलोमीटर सेंटर है, 124 नंबर बस पकड़नी है। एक बार जब घूम आप आते हो तो चीज़ें आप सभी को क्लियर हो जाती हैं। तो बस वही देखेंगे अभी मॉर्निंग का कैसा कैसा टूल रहता है। एक चीज़ मुझे और लगती है कि अगर औरंगाबाद से पुणे अगर कोई भी ट्रेन अगर चला दी जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रेन से कहीं ना कहीं आपका जो डिस्टेंस होता है वो आपका कम हो जाता है और कम टाइम में आप पहुंच सकते हो। और ऐसे क्या रहता है कि आप पुणे से औरंगाबाद आते हो, पैसे भी आपके ज़्यादा लगते हैं। जो पैसे 500 रुपये आपको यहाँ लगते हैं उसमें आप थर्ड एसी में चाहो तो आप ट्रैवल कर सकते हो, अगर ट्रेन अगर हो। मेरे हिसाब से पुणे से औरंगाबाद कहीं ना कहीं इनको लाइन वगैरह पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि बताते हैं कि डायरेक्ट कोई लाइन नहीं है, वो सीधा फिर वो नासिक मनमाड़ से होकर डाउट लाइन है इस तरीके से आपकी आती है। तो मे बी अगर वो हो जाए काम तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हद तक आसानी हो जाए। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दिक्कत होती है, क्योंकि मिनिमम कोई भी टाइम वो नहीं है, और बीच में हाईवे में क्या है कि उतना अच्छा भी नहीं है। तो लगभग कैब से भी अगर आप आओगे तो, मैंने लास्ट टाइम आया था 6 घंटे मेरे को लगा था, इस टाइम मैं आया तो 3:30 बजे मैं चला था और मैं उतरा हूँ लगभग 8:30 बजे मैं उतरा हूँ। तो मिनिमम देखा जाए तो 5 घंटे तो इस तरीके से भी लग गए। तो और बस अगर हो तो 5-5.5 घंटे तो एवरेज ऑन एवरेज आपके लगेंगे ही लगेंगे। तो कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से अंदर आपको आना पड़ता है, क्योंकि बस स्टेशन जो है वो रेलवे से भी आपका दूर है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहने के टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ रेलवे कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेन वगैरह चल जाए तो ज़्यादा बेटर है। इवन एक ट्रेन है भी, लेकिन वो टाइम बहुत लगाती है, शाम के 8:30 बजे की या 5:30 बजे ट्रेन आती है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रेलवे का किराया जो है वो ट्रांसपोर्ट से बहुत मतलब सस्ता रहता है। इवन अगर यहाँ कैब का देखें तो मिनिमम 700 रुपये पूना से मुंबई है कैब, और डिस्टेंस कुछ नहीं है, सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है पूरा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ट्रेन है, कई सारी ट्रेनें हैं जिसके कारण से CR कार आराम से आपको 390-385 मिल जाएगी। अगर आपको AC करना है तो भी 450 तक आपको मिल सकती है। तो ये कहने के बेसिक सा डिफरेंस आप सभी का हो जाता है। बाकी आप सभी मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब भी कभी जाम देने हैं, कोई भी आप कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हैं, किसी के साथ में जा रहे हैं, तो आप हमेशा टाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा लेके रखो, ठीक है। जहाँ पे आपको 1 घंटे का लग रहा है आप वहाँ पे 1.5 घंटे का रखो, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लमेटिक आप सभी की रहती हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान, और आज अच्छा लगा इवेंट। आज तो मतलब बिना बताए मैं गया था, उन लोग को एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मैं आऊँगा। तो अब क्या था कि मैंने कहा एक घंटे स्टेशन बैठने से अच्छा है कि उन लोग क्या चला जाऊँ, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है यार। मतलब क्या रहता है कि घर से दूर हो तो, अब पुणे औरंगाबाद में क्या रहता है, इतना फ्रेंड सर्कल नहीं है, मतलब लिमिटेड है थोड़ा। और ये क्या अपने बैच के हैं, और बैचमेट जो होते हैं वो मतलब सच में मतलब बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। और बाकी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कल के लिए, नेक्स्ट आपका ज़बरदस्त ब्लॉग रहेगा कल की सारी अपडेट्स के लिए। तो आप सभी ब्लॉग अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इवन दिल से मैं थैंक यू कहता हूँ। बाकी आप लाइक कर दिया करो ब्लॉग को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी और भी अपडेट्स अगर मैं रहेंगे, अभी IBPS PO का नोटिफिकेशन आज आउट हुआ है, और ESIC की ज्वाइनिंग जो है वो आपकी आ चुकी है। बाकी अपडेट्स आपको कल मिलेगी आपको वीडियो के माध्यम से। सो ऑल ऑफ़ यू गुड नाइट, और अभी मैं जाता हूँ फटाफट से सो जाऊँगा क्योंकि 4 बजे फिर दोबारा से उठना है, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज लिया है। ओके बाय बाय, टेक केयर।